बॉलीवुड में आज ऐसा करिश्मा हुआ है जिसकी होने की उम्मीद किसी को नहीं थी। सलमान खान और अरिजीत सिंह की 9 साल पुरानी दुश्मनी दोस्ती में बदल गई है। जी हां, आपको इस खबर पर शायद यकीन ना हो रहा हो, लेकिन ऐसा सच में हो चुका है। अरिजीत सिंह कल शाम सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट में उनसे मिलने पहुंचे थे। अरिजीत को सलमान खान के घर के बाहर स्पॉट भी किया गया। अरिजीत को सलमान के घर के बाहर देखकर लोग चौंक गए, उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। सलमान खान और अरिजीत सिंह का विवाद 9 साल पुराना है। एक अवार्ड शो में सलमान खान एंकरिंग कर रहे थे। इस दौरान स्टेज पर पहुंचे अरिजीत सिंह की हालत देखकर सलमान ने उनसे पूछा कि क्या आप सो रहे थे, और इस पर अरिजीत ने पलटकर जवाब दिया कि आप लोगों ने ऐसी एंकरिंग की कि मैं सो गया। बात सिर्फ इतनी सी हुई, लेकिन सलमान इस पर नाराज हो गए। उन दिनों सलमान की फिल्म बजरंगी भाईजान रिलीज होने वाली थी, जिसमें अरिजीत सिंह ने गाना गाया था। सलमान ने रातों रात वो गाना फिल्म से हटवा दिया था। अरिजीत को जैसे ही ये बात पता चली, उन्होंने सलमान से सरेआम माफी मांगी। अरिजीत ने फेसबुक पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर सलमान से कहा कि वो फिल्म से गाना ना हटाएं, लेकिन सलमान तो सलमान थे, उन्होंने एक नहीं सुनी। सलमान ने अरिजीत को 9 सालों तक अपनी किसी फिल्म में गाना नहीं गाने दिया है। हालांकि तब लोगों को ये लगा कि और लोगों की तरह ही सलमान खान से पंगा लेने के बाद अरिजीत सिंह का करियर खराब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अरिजीत सिंह बॉलीवुड ही नहीं बल्कि दुनिया के टॉप सिंगर्स में से एक बन गए। अरिजीत की गिनती दुनिया के तीसरे सबसे ज्यादा सुने जाने वाले सिंगर्स में होती है। अब अरिजीत और सलमान की दुश्मनी का अंत हो गया है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि अरिजीत ने सलमान की आने वाली फिल्म टाइगर 3 के लिए कोई गाना गाया है। वहीं कईयों का कहना है कि अरिजीत सलमान की फिल्म विष्णुवर्धन और करण जौहर के साथ उनकी अनटाइटल फिल्म के लिए गाना गाने वाले हैं। अभी तक इसे लेकर किसी तरह की कोई क्लियरिटी नहीं है, लेकिन अरिजीत और सलमान की दुश्मनी खत्म होने से दोनों के फैंस काफी खुश हो गए हैं। वेल, आप क्या कहेंगे इस पर? अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए, और ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।